चडोनी साहब, मन में क्या चल रहा है आपका? आपका चैनल है मसला, हम उठाएंगे मसले। राजेवाल ने बड़ा विरोध किया था, लेकिन अभी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकते हैं राजेवाल। अब मेरे को समझ नहीं आता कि हमारा विरोध करने के बाद अब वो चेहरा कैसे बनेंगे। मेरे को लग रहा है कि सबसे दुखी हैं लोग। उन 32 जत्थेबंदियों में से कोई नेता आपके साथ आ रहा है? इंडिपेंडेंट चलेंगे या किसी के साथ गठबंधन? नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र, संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े लीडर गुरनाम सिंह चडूनी ने आज अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और नाम रखा है संयुक्त संघर्ष पार्टी। नाम अच्छा है, लेकिन काम कैसा होगा, अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ चडूनी साहब हैं। चडूनी साहब, मन में क्या चल रहा है आपका? आपका चैनल है मसला, हम उठाएंगे मसले और उन मसलों को हल कराएंगे और उन मसलों पे ही हम आंदोलन जो है वो पार्टी बना रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेरोजगारी, यहाँ पे बीमारी और यहाँ पे जो है वो किसान की खुदकशी, यहाँ पे मजदूरों को काम नहीं, यहाँ पे वो सारी चीजों का जो है वो हल निकालना है और उन सब का हल जो है वो राजनीति से निकलता है। सारी बीमारियों के दो हॉस्पिटल हैं, एक विधानसभा है, एक सांसद है, ठीक है। उन हॉस्पिटलों में अच्छे डॉक्टर भर्ती करने की जरूरत है। हाँ। वो अच्छे डॉक्टर भर्ती करने के लिए पार्टी बनाई है। आप पंजाब में स्ट्राइक कर रहे हैं और जब कोई किसी के स्ट्राइक करता है तो वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगता। पंजाब की जथेबंदियां हैं, वो जब से आपने पहले ऐलान किया तभी से वो कहते हैं कि गुरनाम सिंह चडूनी का हम विरोध करेंगे। अब ये स्ट्राइक ही है, आप स्ट्राइक कर रहे हैं पंजाब में, तो वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर काम कैसे चलेगा उनके बिना? लेकिन पंजाब के लोग तो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वोट तो लोगों की है। हाँ। या फिर वो जथेबंदियां ये बता देंगे किसको पानी है। हाँ। वो अपने मीटिंग करें और अपनी मीटिंग करके ये बता दें अब की बार तो बादल को पानी है या अब की बार तो कांग्रेस को पानी है, वो बता दें। लोगों को रास्ता तो दें, अगर वो रास्ता नहीं देंगे तो हम रास्ता दे रहे हैं भैया, फिर हमें डाल देना, आपके बीच के कैंडिडेट आएंगे, आप उन कैंडिडेटों को देना। राजेवाल ने बड़ा विरोध किया था, लेकिन अभी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा बन सकते हैं राजेवाल, तो इस पे क्या कहेंगे? अब मेरे को समझ नहीं आता कि हमारा विरोध करने के बाद अब वो चेहरा कैसे बनेंगे। क्या और क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये तो लोगों पर निर्भर करेगा क्या हो सकता है। एक और बड़े नेता के बारे में वो कहते हैं कि वो तो RSS का चेहरा है। मैं आप एक साल उनको साथ रखा और अब वो कह रहे हैं कि ये तो RSS का चेहरा है। देखिए, मैं उनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहता और ये तो आरोप प्रत्यारोप जो ला रहे हैं हमारी बदकिस्मती है। किसान संगठनों को एक दूसरे पे नहीं लगाना चाहिए। क्या लग रहा है पंजाब में लंबे समय से आप जा रहे हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि सबसे दुखी हैं लोग। उन सारी राजनीतिक पार्टियों को से लोग दुखी हैं, लोग उनमें से किसी पार्टी को नहीं चाहते, इस तलाश में है कि उनको अच्छी पार्टी कोई मिले, इस तलाश में है लोग। उन 32 जथेबंदियों में से कोई नेता आपके साथ आ रहा है? आएंगे तो कई, लेकिन अभी वो ये सोच रहे हैं, आपस में बात चल रही है कि शायद कुछ कोई दूसरा तरीका कोई अपना लें, इकट्ठे किसी तरह से हो जाए, उस पर उनकी चर्चा चल रही है, और नहीं तो कई आने के लिए तैयार। वो क्यों नहीं आते? हमने कृषि एक्सपर्ट से बात की, देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अब किसानों को राजनीति में आना चाहिए, अगर आप वाकई में सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो आप आइए, सही मौका है। तो फिर पंजाब की जथेबंदियां क्यों इफ एंड बट कर रही हैं, करें ना करें या किसके साथ जाएं, क्या लग रहा है आपको? ये तो वही ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, मैं उनके बारे में क्या जवाब दूँ। लेकिन हाँ, पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी, राजनीति का मारा देश राजनीति से ही बचेगा। इंडिपेंडेंट चलेंगे या किसी के साथ गठबंधन? अभी गठबंधन का कोई इरादा नहीं है। थैंक यू। सुना आपने, गुरनाम सिंह चडूनी को आज अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, संयुक्त संघर्ष पार्टी नाम रखा है, पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि काफ़ी पहले ऐलान कर दिया था कि वो पंजाब में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने अपनी पार्टी का ही ऐलान कर दिया है। देखना होगा आगे पंजाब में जब ये जाएंगे तो इनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, और जैसा हमने पहले कहा कि इनकी पार्टी का अंजाम क्या होगा,
वो खैर वक्त के साथ ही पता चलेगा। आपने इनको सुना, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके बता दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।